नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। साध्वी निरंजन ज्योति ने किया जनसंपर्क, बोली आप दोबारा चुन रहे हैं प्रधानमंत्री। वाराणसी बनारस सांसदीय सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट मांगने आई बीजेपी की स्टार प्रचार साध्वी निरंजन ज्योति रविवार को पुराना रामनगर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस संदर्भ में वह लोगों के घर घर पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, बोली कि इस बार आप दोबारा प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, लिहाजा अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करें। उन्होंने भाजपा नेता विक्रम सिंह के घर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस संदर्भ में वह लोगों के घर घर पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ता के साथ बैठक की, बोली कि इस बार आप दोबारा प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, लिहाजा अधिक से अधिक संख्या में। बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा के जिला मंत्री सत्येंद्र सिंह पिंटू, नंदनलाल चौहान, अनिल सिंह, संजय सिंह, अजय सिंह, पार्षद संतोष शर्मा, डॉक्टर आर के सिंह, अजय प्रताप सिंह, हर्ष सिंह, कुसुम लता, नीरा, गीता, सुमन, संजय, मनीष, बबलू, अशोक, अनुपम, राजकुमार आदि मौजूद थे। कमल हासन हो गए हैं पागल, नाम एनडीए का लेकिन काम हमारा मुरलीधर राव। वाराणसी लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण का मतदान बाकी है। हर राजनीतिक पार्टी के नेता अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। इन्हीं चर्चाओं के बाद फिर दुल पकड़ा हुआ है यूं कि तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान बॉलीवुड अभिनेता कमल हासन द्वारा दिए गए एक बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी। उसी बयान के बाद भाजपा उन पर लगातार हमला बोल रहे हैं। दरअसल एक चुनाव प्रचार के दौरान कमल हासन ने कहा कि भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था जिसका नाम नाथूराम गोडसे है। कमल के इस बयान के भाजपा राष्ट्रीय महासचिव व तमिलनाडु भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि वो अपना दिमाग संतुलन खो बैठे। एक कार्यक्रम में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस पहुँचे मुरलीधर ने कमल हासन पर जमकर हमला बोला, साथ ही विपक्ष पर भी खटास किया। मुरलीधर राव ने कमल के बयान पर कहा कि वो पागल हो गए हैं, आतंकवादी के नाम पर भारत में संपूर्ण जाति को प्रवेश को अनगिनत करना बुद्धिमानी नहीं है, यह देश हित में भी नहीं है, यह समस्या का समाधान भी नहीं है। सभी मजहब के बारे में हमारी मान्यता है कि शांति और सौहार्द के लिए काम करे, गलत विवेचना उनके दिमाग की उपज है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलीन कोहली ने बीच सड़क पर झगड़ रहे युवक युवती को समझाया, लोगों से बोले आप लोगों को सुलझाना चाहिए था मामला। महमूरगंज आकाशवाणी के पास सोमवार को बीच सड़क पर झगड़ा कर रहे युवक युवती को उधर से गुजर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलीन कोहली ने समझा बुझा कर शांत करवाया। नलीन इस वक्त चुनाव प्रचार करने के सिलसिले में बनारस में मौजूद है। वह आकाशवाणी की ओर से जा रहे थे कि उन्हें युवक युवती किसी मसले पर झगड़ा करते हुए दिखे। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा कर दोनों के पास पहुँचे, उन्हें समझा बुझा कर शांत करवाया। उन्होंने तमाशा देख रहे लोगों से कहा कि आप सभी को इस झगड़े को शांत करवाना चाहिए था। बोले अगर सड़क पर ऐसी घटना हो रही है तो उसे सुलझाना चाहिए। इस दरमियान उनके साथ कई कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मौजूद थे। झगड़ा खत्म कराने के बाद वह आगे बढ़ गए। तो एमएनएस न्यूज आपकी खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।